पीलीभीत के भाजपा प्रत्याशी आस्था अग्रवाल के खिलाफ बाहरी भगाओ शहर बचाओ जैसे नारे पोस्टर पर लगाए गए। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान प्रत्याशी डॉक्टर आस्था को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। बाहरी टिकट होने पर भाजपा में भी हुई अंदरखाने बगावत शुरू हो गई है। बस्ती पुलिस ने शराब माफिया की 1,01,00,000 रुपए की अवैध संपत्ति जब्त कर ली है। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में रविवार की शाम हरैया पुलिस ने अवैध शराब कारोबारी व अल्कोहल माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1,01,00,000 रुपए की संपत्ति को जब्त किया है और मकान को भी सील कर दिया है। बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के नारायणपुर तिवारी गांव की निवासी राजू गुप्ता उर्फ जरलाहे पुत्र अयोध्या प्रसाद गुप्ता द्वारा अपराध कारित कर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित किया है। ग्राम भावपुर थाना कप्तानगंज में स्थित खाता संख्या 03 के गाटा संख्या 29 में 125 वर्ग मीटर भूखंड राजू अपनी पत्नी संजू देवी के नाम से खरीद कर मकान बनवाया है, जिसकी कीमत करीब 1,00,00,000 रुपए है। जनपद बस्ती में आज गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक अभियुक्त राजू गुप्ता की 1,06,00,000 की प्रॉपर्टी सीज की गई है। पुलिस एवं प्रशासन टीम द्वारा मौके पर जाकर एक प्लॉट, एक कार और एक मोटरसाइकिल सीज की गई है। इसमें अभियुक्त के विरुद्ध 228/2021 से गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आज कुर्की का आदेश पारित किया गया है, जिसको पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा सीज किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की की यह कार्रवाई अन्य अभियुक्तों पर भी जारी रहेगी और यह अपराधियों के खिलाफ यह अभियान चलता रहेगा। बिजनौर के शिवाला कला क्षेत्र में ध्यान सिंह यादव नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। हत्या कर शव को रतनगढ़ चौकी के पास सड़क किनारे फेंक दिया गया था, जिसका पुलिस ने मात्र 6 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए हत्यारे ओमपाल उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि थाना शिवाला कला की रतनगढ़ पुलिस चौकी के पास सुबह करीब 7 बजे सड़क किनारे एक व्यक्ति की लाश पड़ी मिली थी, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी थी। उधर लाश मिलने की सूचना पर पुलिस आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंची और शव की पहचान ध्यान सिंह यादव निवासी ग्राम रतनगढ़ के रूप में हुई थी। आज प्रातः लगभग 7:30 बजे थाना शिवाला कला को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव रतनगढ़ सादीपुर मिलक रोड पर झाड़ी के बीच में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना शिवाला कला की पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी चांदपुर और मेरे द्वारा भी घटना का तत्काल निरीक्षण किया गया। मृतक की पहचान ध्यान सिंह सनाप छोटे सिंह निवासी आजमगढ़ और रतनगढ़ थाना शिवाला कला के रूप में हुई। मृतक के भाई अशोक कुमार की तहरीर पर थाना शिवाला कला पर हत्या एवं अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करके इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। करौली सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल लड्डू गोपाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गूगल मैन मनोजानंद जी महाराज करौली सरकार पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। दरअसल अभी कुछ दिन पहले गोल्डन बाबा ने करौली सरकार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें करौली सरकार लड्डू गोपाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने संत समाज से माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते गोल्डन बाबा ने यह कदम उठाया। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणपत ध्वज, मंगलम पुंडी कांच, मंगल तनुवरी। आज हम समस्त सनातन धर्मी जो संतोष भदौरिया जी आए दिन नित्य नित्य अद्वैत टिप्पणी करते हैं हमारे प्रभु के ऊपर, कहीं विष्णु जी के ऊपर, कहीं शंकर जी के ऊपर, तब तो हद हो गए जब हमारे आराध्य लड्डू गोपाल जी के ऊपर जो बहुत अभद्र टिप्पणी करी, जिसको सुनकर मीडिया में आया जुड़ता जब फेसबुक में, तब बड़ा दुखी हुए हम लोग। तब हमने सबसे बात की, हमारे संजय भैया थे, आचार्य जी, सबसे मंत्रणा करने के पश्चात ये हुआ अगर इस तरह कार्य करें। देखिए जैसे ही मैं देखा मैंने कि लड्डू गोपाल के प्रति ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, तो मैंने अपने भैया के प्रोफाइल में खुद कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम कराइए, क्योंकि पागलपन का हद है। आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और आखिर आप साबित करना क्या क्या चाहते हैं? आप एक तरफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लड्डू गोपाल जो सर्वमान्य हमारे देवी देवता या भगवान हैं, और आप जो क्राइम कर रहे हैं वो हमारी आईपीसी की धारा 295 क व 153 क के तहत अपराध है और ये नॉन बिलेबल ऑफेंस है, 3 वर्ष की सजा है। और इस तरह से यदि आप करते रहेंगे तो आखिर समाज में विद्वेषपूर्ण आप भावना जो फैला रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, और देश में 100 करोड़ से ऊपर की हमारी संख्या है।
कन्नौज में मुख्तार अंसारी की सजा पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि पहले इनके खिलाफ गवाह गवाही नहीं देते थे, इनके खौफ से न्यायालय भी मामले में सुनवाई से इनकार कर देते थे। मुख्तार को हुई सजा बदलते यूपी की निशानी है। यूपी सरकार में माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार कर रही है। और उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में जो माफिया है वो भी मिट्टी में जमींदोज हो जाएंगे। मुख्तार अंसारी को आज जिस प्रकार से 10 वर्ष की जो सजा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है, ये बदलते नए उत्तर प्रदेश की एक निशानी है। और ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ के ऊपर ये माफियाओं का रसूख इस प्रकार का होता था कि पूर्व में इनके खिलाफ गवाह पलट जाते थे, गवाह गवाही नहीं देते थे, न्यायालय इनके मामलों को सुनने से इनकार कर देते थे इनके खौफ के कारण से। लेकिन आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से माफियाओं की कमर तोड़ दी गई है।